हाय एवरीवन गाइस आपके सामने है मॉक टेस्ट टू जेके एस एस पी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के ईच क्वेश्चन गैर इज वन मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारे पास है द रूट्स ऑफ द एटीन फिफ्टी सेवन रिवॉल्व ले इन पहला ऑप्शन आपके पास है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो उनकी थी द पॉलिसी ऑफ ग्रीस कार्टेजेस या फिर ऑल ऑफ द अबाव इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबा ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे हमारे इंडियन सीपॉइज़ के साथ और उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेटिव वो लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज इनकी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी और साथ में जो कार्टेजेज इन्होंने लाए थे जो इनकी जो बंदूक होती थी उसमें पिग एंड काउ का बीफ होता था इस वजह से भी 1857 का रिवॉल्ट हुआ था सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगनिंग इन जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मेरठ से प्लासी से मद्रास से बॉम्बे से सो वी ऑल नो दैट इट्स स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ सो ए हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने यहाँ से स्टार्ट किया था थर्टी नेटिव इन्फेंट्री ठीक है सो ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एन इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वाज़ दैट द स्प्रिट ऑफ रेबेलियन इन इंडिया वाज़ क्रश्ड द ब्रिटिश बिकेम टोटली डीमोरलाइज द ब्रिटिश एबंड्रेसिव पॉलिसीज़ यूनिटी वॉज फॉज बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स तो एटीन फिफ्टी सेवन का इफ़ेक्ट क्या रहा तो so, इसका जो सही आंसर है वो है एक यूनिटी देखने को मिली बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स दोनों ने मिलकर सामने आकर एटीन फिफ्टी सेवन का रिवॉल्ट किया अगेंस्ट ये लोग एटीन फिफ्टी सेवन में रिवॉल्ट किया उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सो so, यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा अब काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे कि आपने एटीन फिफ्टी सेवन के ही रिवॉल्व सारे क्वेश्चन लाए हैं मैं आपको बता दूँ ये आपका एक तरीके से रिविजनरी सीरीज होता है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सब एक वीडियो में नहीं डाल सकती हूं बट मेरे से जितना हो पाता है वो मैं डालती हूं तो आप देखेंगे जो भी अभी आपके रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो या फिर जेके का एग्जाम हो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो वीडियो से आए हैं मॉक टेस्ट से आए हुए हैं अगर आपने हर एक मॉक टेस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी दिखाया था आपको कौन कौन से क्वेश्चन थे जैसे कि मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल हो गया या फिर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया ठीक है ऐसे बेसिक क्वेश्चन और जे के रीऑर्गेनाइजेशन से तो बहुत सारे क्वेश्चन थे उस पर नो डाउट वो तो सब ने ही आपको पढ़ाया होगा सो so, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एट इट सेशन एट तो ये जो आईएनसी है इन्होंने पूर्ण स्वराज को 1929 में एक सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था जिसको हेड किया था नेहरू जी ने और यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी अडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज को कराची अलाहाबाद लाहौर या फिर कलकत्ता द करेक्ट आंसर इज लाहौर लाहौर सेशन हुआ था 1929 का जहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया था और यहाँ पे कहा गया था कि सिक्स ट्वेंटी सिक्स को हम अपना जो है ये इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे ठीक है तो सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसने कहा था कि आई एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है महात्मा गांधी बिपिन चंद्रपाल बाल गंगाधर तिलक और बिंदो घोष इसका सही आंसर है और बिंदो घोष और बिंदो घोष ने कहा था कि आईएनसी एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है आईएनसी को बनाया गया था 1885 में एओ होम के द्वारा सेवेंटी टू डेलीगेट्स ने इसकी फर्स्ट सेशन को ज्वाइन किया था फर्स्ट सेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ था ये आपको याद रखना है गोकुल गो, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज एंड सेकेंड इसमें आपको याद रखना है कि डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे वो पहले यहाँ के अध्यक्ष थे ठीक है इस पहले जो ये सेशन हुआ था 1885 का सो so, डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यू कौन रहे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यू एन रिगवेली जेम्स बॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी सो इसका क्वेश्चन बहुत ईजी है इट इज़ रिगवेली सो ए हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यू एन आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इंटू स्पेस पहला देश पहली कंट्री जिसने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया इंडिया रशिया जापान एंड अमेरिका एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया सो बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी कंट्री ने पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका इन 1930 अफ्रीका इन 1930 थर्टी रुकवे इन नाइनटीन थर्टी एंड जापान इन नाइनटीन थर्टी एंड द करेक्ट आंसर इज रुवे नाइनटीन थर्टी सो सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड पहला पर्सन जिसने पूरी दुनिया को घूमा अब्राहिम लिंकन फर्दिन एंड मेगलिन वास्को दिगामा या फिर रॉयल बर्ड इसका जो सही आंसर है अगर आपने छोटे बच्चे की भी किताब पढ़ी है पाँचवीं क्लास की भी जो बुक्स होती हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये है फर्दिनद मेगा इन्होंने पूरा वर्ल्ड जो है वो पानी के थ्रू जो है वो सेल किया था तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा सो so, बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है किसी भी देश की पहली वुमेन प्रधानमंत्री कौन थी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं मिसेज श्रीमावो भंडार नैराका इंदिरा गांधी सुषमा स्वराज नन्सी सिंह इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका में पहली बार पूरे वर्ल्ड में श्रीलंका की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री बनी थी श्री मावो भंडार नायके सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जियोमेट्री के फादर किन को कहा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ जियोमेट्री जियोग्राफी से इसको आपने कन्फ्यूज़ uh, नहीं करना है एरिस्टोटल एल्यूसिड पाइथागोरस कैपलर इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूसिड सो so, हमारे पास बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथे मेटिकल कौन सा इंडियन है जिसमें मैथे में कंप्यूटर्स को भी इवन बीट कर दिया था आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थे और इनकी इनके ऊपर एक मूवी बनी थी जिसमें लीडिंग रोल में थी विद्या बालन सो so, इसका जो आंसर है वो है शकुंतला देवी जी सो so, डी हमारे पास बहुत सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है है वो द फर्स्ट इन इंडिया पहला न्यूज पेपर जो पब्लिश किया गया इंडिया में वो कौन सा था बंगाल गजट समाचार दर्पण मुंबई समाचार द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज बेंगाल गजट जेम्स अगस्त हिकी ने लाया था बेंगाल गजट ठीक है ये पहला न्यूज़पेपर था सो so, ये है आपका ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोविंग सिटीज़ जो कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल है ये कौन सी सिटी से एसोसिएट करता है कोची पुणे मैसूर मुंबई इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है वीपो के पैरिस मैड्रिड न्यूयॉर्क जिनेवा एंड द करेक्ट आंसर इज जिनेवा स्विट्जरलैंड सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क इनमें से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है नेपाल बांग्लादेश अफगानिस्तान म्यांमार एंड द करेक्ट आंसर इज म्यांमार म्यांमार नहीं है ये या आपको याद रखना है सार्क में कौन कौन मेंबर है आप आ, नेपाल है ठीक है नेपाल है बांग्लादेश है अफगानिस्तान है भूटान है पाकिस्तान है इंडिया है श्रीलंका है और कौन सा बच गया हमारे पास ये है मालदीव्स ठीक है म्यन्मार और मालदीव में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है इट इज़ मालडिव इट इज नॉट म्यन्मार सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंडिया की क्या पोजीशन आई थी 2021 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में वन ट्वेंटी एट वन थर्टी फिफ्थ नाइन्टी फाइव नाइन्टी सेवन इट इज़ वन ट्वेंटी एट सो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाई वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेफिशंसी डिजीज हेरिडिटी डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज डी डिजीज इसका जो सही आंसर है वो इन्फेक्शियस डिजीजेिक माइक्रो ऑर्गनिज्म कॉज करते हैं सो सी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीडीसी गाइडलाइंस एक क्वारंटीन फैसिलिटी प्रेफर की जाती है कहां पर नियर अ हॉस्पिटल नियर विलेज सेटलमेंट एट द आउटस्कट्स ऑफ सिटी एट द आर्मी कंटोनमेंट जोन तो जो क्वारंटीन फैसिलिटी है ऑब्वियसली क्वारंटीन किसी को करना है तो वो इन्फेक्शियस होगा तो इन्फेक्शन फैल ना जाए बाकीये में तो ये हम सिटी के बाहर वाले इलाके में ऐसा कुछ हमें प्रेफर करना चाहिए कि क्वारंटीन फैसिलिटीज वहां पर हो एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी ठीक है सो सी विल बी द राइट आंसर यू माइट गेट कन्फ्यूज इन नियर अ हॉस्पिटल सो इसका आंसर सी बनेगा ठीक है सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है खारिफ़ क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर मार्च अप्रैल जून जुलाई मे जून एंड द करेक्ट आंसर फाई हर दैट जब मैंने ये बना रही थी, तो आई फोगाट अबाउट द इनोमिकोंट वरी गाइज नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो भी आएंगे उसमें इकनॉमिक के सेक्शन को इंक्लूड किया जाएगा आपको पता ही है जेके एस एस बी कितना अनसर्टन है uh, कभी कोई सेक्शन उनसे भी मिस हो जाता है जैसे कि हमने जेके पी एस आई में देखा इकोनॉमिक का कोई भी ऐसा कोई खास क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला सो so, Uh, कोई भी क्वेश्चन के वो ज़्यादा क्वेश्चन डाल सकते हैं कोई भी सेशन के और किसी सेशन को वो कम्प्लीटली छोड़ भी सकते हैं सो so, यहाँ पे यहाँ पे हमारा पहला जो है जीके वाला पोर्शन ख़त्म होता है अब हम आ जाते हैं हमारा सेकंड जो है स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाला सेक्शन उसको देखते हैं इन्होंने बोला है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने सेक्शन होते हैं एक सौ चौदह नाइनटी एट वन ज़ीरो नन ऑफ द अबो इसका जो सही आंसर है वो है वन ज़ीरो थ्री सेक्शंस हैं इसमें और इसमें फाइव स्केड्यूल्स हैं ये आपको याद रखना है और इसमें फोर्टीन पार्ट्स हैं ये भी आपको याद रखना है सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द री ऑर्गेइजेशन एक्ट ट्वेंटी क्या साइज होना चाहिए काउंसिल मिनिस्टर्स का ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेम्बर्स इन द असेंबली टेन परसेंट थर्टी परसेंट इट इज होना चाहिए टेन सो ए विल बी द राइट आंसर हियर कंफ्यूज नहीं करना इसको नेक्स्ट हमारे पास है 1965 में हेड ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर को आ, चेंज किया गया इनका डेजिगनेशन एज अ गवर्नर तो ये प्रीवियसली इनको क्या कहते थे जो हेड ऑफ़ गवर्नर थे प्रीवियसली उनको क्या कहते थे जिनका डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर किया गया था प्रीमियर वजीर आलम सरदार रियासत या फिर वजीर इसको कहते थे सदर रियासत सो सी विल बी द राइट आंसर सदर रियासत का डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर किया गया था सो सी विल बी द राइट आंसर हियर सो so नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पामपोर प्लान लोकली इनको वूधर कहते हैं इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर ये ग्रेट सोर्स है रेवेन्यू का इनमें से किस चीज़ का कौन सा पामपोर की बात हो रही है एप्पल्स का सैफरन का टूरिज्म का या फिर स्पोर्ट्स का ये सैफरन का काफ़ी अच्छा एक सोर्स है रेवेन्यू है सो बी विल बी द राइट आंसर योर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल थ्री सेवनटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स आर्टिकल थ्री सेवेंटी में क्या आता था स्पेशल प्रोविजन आते थे ट्रांजिशनल प्रोविजन आते थे टेम्प्रेरी प्रोविजन आते थे इमरजेंसी प्रोविज़न आते थे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें टेम्प्रेरी प्रोविजन आते थे सो सी विल बी द राइट आंसर हियर ये आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सा सेक्शन है जो हल्का पंचायत से डील करता है सेक्शन वन टू थ्री या फिर फोर इट इज सेक्शन फोर जो हल्का पंचायत से डील करता है सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पंचायती अदालत में क्योरम कितना होना चाहिए टू मेंबर्स का थ्री मेंबर्स का फोर मेंबर्स का फाइव मेंबर्स का इट इज थ्री मेंबर्स थ्री आउट ऑफ फाइव जो है ये क्यूरम होता है थ्री मेंबर जो है प्रेजेंट करने चाहिए सो बी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है गुरुद्वारा सुंदर सिंह कहाँ पर लोकेटेड है गुरुद्वारा सुंदर सिंह जम्मू डोडा कठुआ श्रीनगर इसका सही आंसर है जम्मू में लोकेटेड है गुरुद्वारा सुंदर सिंह सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है आपके पास लामा लामा लावांग लोटस कहाँ पर फाउंड किया गया आपके पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं इसका करेक्ट आंसर है स्तोक मोनेस्ट्री में स्तोक मोनिस्ट्री में ठीक है अब आपने मुझे बताना है टैबो मोनिस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है टैबो ठीक है ये तो आ गया आपका लेह लद्दाख में सो बी विल बी द राइट आंसर हियर चलिए जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रिवर का ओरिजिन मानसरोवर लेक से होता है आ, रिवर चनाब झीलम इंडस तवी इसका जो आंसर है वो है रिवर इंडस सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डैश डैश इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है डल लेक कैस्पियन सी वूलर लेक फुलिकत लेक इसका जो सही आंसर है वो है वूलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया डल लेक की बात करें तो ये श्रीनगर में है कैसपियन सी की बात करें तो ये एशिया में पड़ता है और कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हो तारिक इट इज़ तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान रशिया ईरान और कजाकिस्तान पुलिकत लेक आपका आंध्र प्रदेश में है पुलिकत न, ओ, पुलिकत लेक सो so, यहाँ पे आंसर हमारे पास सी हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ़ द फॉलोइंग लेक्स हैज़ फ्लोटिंग गार्डन्स वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर ग्रोन वुलर लेक डल लेक अचार लेक तारसर लेक तो कौन सा लेक है जहां पर फ्लोटिंग गार्डन है जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स भी उगती हैं इसका जो सही आंसर है वो है अचार लेक सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किश्तवाड़ नेशनल पार्क को कौन से ईयर में स्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स टू थाउजेंड वन नाइनटीन एटी वन नाइनटीन नाइन नाइन द करेक्ट आंसर इज नाइनटीन एटी वन सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है सॉइल फोटो पीरियड प्रेसिपिटेशन ऑल ऑफ दीज तो सभी जो है ये इफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल कैटेगरीज ऑफ आयु सी एन रेड लिस्ट आयु सी एन की रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरीज होती है टोटल सेवन फोर फाइव वन ऑफ द अब सो इसमें होती है टोटल सेवन कैटेगरी सो ए विल बी द राइट आंसर यो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़ीरो फाइट वेजिटेशन फाउंड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो ये जीरो फाइट वेजिटेशन है ये कहाँ पर पाई जाती है लद्दाख रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टुंडरा रीजन में नान ऑफ द अबो इसका जो तो सही आंसर है वो है लद्दाख रीजन में पाई जाती है जीरो यानी कि जहाँ पर पानी की कमी हो और लद्दाख भी ड्राई एरिया है सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉन एज अ स्नो लिप लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड सलीम अली नेशनल पार्क हैमिस नेशनल पार्क ओवेरू अरु नेशनल पार्क नन ऑफ द अबो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेमिस नेशनल पार्क हैमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ी नेशनल पार्क है और ये लद्दाख में है सो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में है ओवेरा आरू जो है ये अनंतनाग में है सो यहाँ पे आंसर है बी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रोजेक्ट हंगुल को कब लॉन्च किया गया था 1966 में 1978 में 1988 में 1970 में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1970 में सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ सिचुएटेड ऑन नेशनल हाई वन ए तो ये जो नेशनल हाईवे वे वन ए है इस पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नन ऑफ द हबो द करेक्ट आंसर इज़ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू में पड़ती है सो सी विल बी द राइट आंसर जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कठुआ में है ये या आपको याद रखना है काराकोरम जो है वो लद्दाख वाले रीजन में है सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेड डेटा बुक हमें डेटा किसके बारे में प्रोवाइड करता है सभी प्लांट्स के बारे में और के 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 बारे 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 में में में, right अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है साइंस से फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट इज जो फ्यूल को थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं वो कौन सा होता है वाटर यूरेनियम फ्यूल्स द करेक्ट आंसर इज फॉसिल फ्यूल सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी लीड टू द लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको यूज करते टाइम लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी सोलर एनर्जी या फिर जियो एनर्जी एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी में कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है सो सी विल बी द राइट आंसर ईयर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा पार्ट सोलर कुकर का रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट कोटिंग विद ब्लैक कलर इन साइड द बॉक्स मिरर ग्लास शीट आउटर कवर ऑफ द सोलर कुकर इसका जो सही आंसर है वो है ग्लास शीट सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग करेक्टली रेप्रजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम जी एटम सो इसका जो सही आंसर है वो बनेगा आपका टू एट टू सो बी विल बी द राइट आंसर ही नेक्स्ट जो हमारे पास है मैग्नीशियम का पूछा था नेक्स्ट हमारे पास है रुथर का अल्फा पार्टिकल केटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें किसकी डिस्कवरी से किसकी डिस्कवरी पता लगी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस इन द एटम एटॉमिक मास रोथरफोर्ड का जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इससे हमें जानकारी मिली थी न्यूक्लियस जो एटम में प्रेजेंट होता है सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अगर एक पैसेंजर एक मूविंग बस में है और अगर वो सडनली रुक जाती है बस तो जो भी पर्सन है वो थोड़ा आगे के लिए उसको धक्का लगता है ये कौन सा लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसको गैलीलियो लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं सो ए विल बी द राइट आंसर यर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंड इको रिटर्न इन टू सेकेंड वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फ्राम द सर्फेस गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज थ्री फोर्टी टू मीटर पर सेकेंड सो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा वो यही आएगा थ्री फोर्टी टू मीटर पर सेकेंड कैसे आएगा गाइज आपको याद रखना है सबसे पहले तो इकोज क्या होते हैं इकोज आर हर्ड ड्यू टू तो द फिनल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो इको हमें कब सुनाई देती है जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ठीक आप है आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड साउंड वेव्स अगर हमें कोई इको को क्लियरली सुनना है तो जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो मस्ट भी मोर देन सेवनटीन पॉइंट टू मीटर होना चाहिए फ्रॉम द साउंड सोर्स सेवनटीन पॉइंट टू मीटर होना चाहिए फ्राम द साउंड सोर्स फॉर द इको टू बी हर्ड बाई द पर्सन स्टैंडिंग एट द सोर्स ठीक है अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है स्पीड ऑफ द साउंड कर दिए थ्री फोर्टी टू मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन क्या है यहाँ पर 2 सेकेंड है तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम हमने निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस ठीक है वॉट इज अ डिस्टेंस पूछा है सो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे आपने लिखना है uh, v इन तो डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो टू uh, इन आप करेंगे ठीक है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू फोर्टी टू मल्टीप्लाई का बोला हुआ है तो टू डी बाई टू डिवाइडेड बाई टू तो ये ये वाला टू और ये वाला टू यहीं पर कैंसिल हो जाएगा और थ्री फोर्टी टू इसका जो आंसर आ जाएगा पहला ही आ जाएगा सो तो ए विल बी द राइट आंसर ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडल वेव नहीं है अल्ट्रासोनिक वेव इन्फ्रासोनिक वेव इन्फ्रा रेड वो सिस्पिक वेव इसका जो सही आंसर है वो है इन्फ्रा रेड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है ऑड वन आउट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव इनमें से कौन सी नहीं है वाटर वेव लाइट वेव साउंड फिर रेडियो वेव एन द करेक्ट आंसर इज साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है सो so, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैन वन लीटर ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम फोर डिग्री सेल्शियस टू जीरो डिग्री सेल्शियस इसका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा पहले डिक्रीज़ करेगा फिर इंक्रीज़ करेगा सेम रहेगा इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा इसका जो सही आंसर है वो है ये इंक्रीज़ करेगा जब एक लीटर पानी को आप ठंडा करोगे फ्रॉम फोर डिग्री सेल्सियस टू जीरो डिग्री इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा आपको याद रखना है कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम होती है फोर डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है फोर डिग्री सेल्शियस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ये क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा सो so, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोविंग गैस इज प्रोड्यूस आ रेड लाइट वन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रो इट इनमें से कौन सी गैस रेड लाइट को प्रोड्यूस करती, करती है जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हीलियम आर्गोन नाइट्रोजन या फिर न्योन इसका जो सही आंसर है वो है नियन डी विल भी द राइट आंसर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैंने आगे स्लाइड लगाया वो आप यहाँ पे अच्छे से इसका स्क्रीन शॉट लिख सकते हो अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स पर लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर कौन से एलिमेंट्स की कौन सी लाइट्स आती हैं तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना नियॉन की आती है राइट यही क्वेश्चन हमसे पूछ गया था नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फंगई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा होता है पैरासाइटिक होलोजोइक ऑडोट्रॉपिक या फिर सप्टोफाइटिक सो so, देखो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि वो डिटो यही वहां पे छाप लेंगे क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया जाता है आपने ये फंगस वाला क्वेश्चन भी आपने दो तीन फंगस दो तीन क्वेश्चन देखे होंगे एक तो अबायोटिक कॉम्पोनेंट वाला था उसमें भी आपको फंगस था एंड दूसरा था आपका Uh, वो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक वाला क्वेश्चन जो एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही था इसका जो आंसर है वो है सेप्रोफाइटिक और वहाँ पर भी जो आंसर था वो सेप्रोफाइटिक ही था क्योंकि सेप्रोफाइटिक जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म पर लाइक करते हैं सो so, यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा और फंगस भी है जो है वो जो है डेड ऑर्गेनिज्म पर भी पर ही डिपेंड करता है सो डी विल बी द राइट आंसर पैरासाइटिक जो है वो होस्ट पर डिपेंड करते हैं फिफ्टी है हमारा क्वेश्चन है रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो पानी को सॉइल से एबजॉर्ब करती हैं ये इस

लार्जेस्ट ग्लैंड है अगर आपको आता है कि मिक्स ग्लैंड कौन सा है तो इट इज़ पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड ठीक है सो so, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा लीवर <coughs> हाँ ठीक है लीवर में हमारा यूरिया भी बनता है ठीक है ये या आपको याद रखना है सो ए विल बी डी विल बी द राइट आंसर यार ठीक है डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारे अर्थ का कौन सा है लार्जेस्ट इकोसिस्टम बायोम हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर बायोस्फेयर लार्जेस्ट इको सिस्टम इज बायोस्फेर सो डी विल बी द राइट आंसर यार नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सॉइल इज इरोडेड हेवनली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन वी ऑल नो ठीक है इट अफेक्ट द फ्लोइंग ऑफ सफेस वाटर बैडली इन में से कौन सा फॉलोइंग इज अ बैडली इफेक्टेड बाई दिस ज ह्यूमन रिसोर्स इकोलॉजिकल सिस्टम क्लाइमेट लोकल प्लांट्स। सो इसका जो आंसर है वो है पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही हमारा इस वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो खराब हो जाता है सो बी विल बी द राइट आंसर हम नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द करेक्ट सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलबीडो वैल्यूज ऑफ दीज इको सिस्टम इज टाइगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल डेजिडियस और टुंड्रा आपने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है सो so इसका जो सही आंसर है वो है ये सी पहले आ जाएगा टुंड्रा फिर आ जाएगा आपका टाइगा फिर आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल डेजिडियस और फिर आ जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन सो सी विल बी द राइट आंसर ये अच्छे से सीक्वेंस को आप पढ़ लेना नेक्स्ट है ओजोन होल ओवर एंटार्टिका इसको कब डिस्कवर किया गया था नाइनटीन सेवेंटी फाइव नाइनटीन एटी फाइव नाइनटीन सेवेंटी एट नाइनटीन एटी सेवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइनटीन एटी फाइव बी बी इज द राइट आंसर मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल की गाली एग्रीमेंट वायना कन्वेंशन इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है क्या ओजोन होल से रिलेटेड है ओजोन मिलता है स्ट्रेटोसफेयर में स्ट्राटोसफेयर में जो गुड ओजोन है जो यूवी वी रेज को धरती पर आने से हमें प्रोटेक्ट करता है और एक पाया जाता है ड्रोपोस्फेयर में जो कि बैड ओजोन होता है ठीक तो है तो आपको यह याद रखना है बी विल भी द राइ आंसर या फिफ्टी एट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मैक्सिमम बायोडावर्सिटी है विच ऑफ द फॉलोविंग हैज़ मैक्सिमम बायोडावर्सिटी डेजर्ट पोलर रीजन रिवर ट्रॉपिकल रीजन सो वी ऑल नो ट्रॉपिकल रीजन इज द बेस्ट एरिया सो डी विल भी दा राइट आंसर जहाँ पर बायोडावर्सिटी जो है वो मैक्सिमम होती है सो डी विल भी द राइट आंसर या लास्ट क्वेश्चन हमारे साइंस का है ऑफ द सोलर एनर्जी कमिंग इन टू द बायोस्फेर वट परसेंटेज ऑफ इट एक्चुअली यूज इन द फोटो सिंथिस जितनी भी सोलर एनर्जी हमारे बायोस्फियर के अंदर आती है इनमें से कितनी फोटो सिंथेस में यूज़ होती है less than one percent.

को यूज किया जाता था सर्किट्री के लिए ठीक है सर्किट्री के लिए यहाँ पे पूछा है मेमोरी के लिए क्या यूज करते थे मेमोरी के लिए यूज करते थे गाइड मैग्नेटिक ड्रम तो ये आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम्स, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मेमरी के लिए यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स सो सी विल बी द राइट आंसर तो आपने देख लिया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था सेकंड में ट्रांस ट्रांजस्टर्स यूज होते थे क्या यूज होता था फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होता था और फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज होता था क्या आपने कमेंट बॉक्स में बताना है एक रिविजन आपका क्विक हो जाएगा अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द सीपीयू सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं चार तीन एक दो सीपीयू में टोटल पार्ट्स होते हैं गाइज दो ठीक है ये आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं नहीं पता है कमेंट बॉक्स में करो गूगल से सर्च करके करो या फिर ऐसे ही करो बट टेल मी कि वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं सीपीयू के सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है डी विल द राइट आंसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सॉफ्टवेयर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस टेली क्रोम माउस सो वी ऑल नो दैट माउस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर माउस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सो सी विल बी द राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर माउस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन uh, है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर दियर कितने टाइप्स की मेमोरी होती है एक तीन दो या फिर चार सो वी ऑल नो दर मेमोरी होती है दो टाइप की रैम और रोम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी सो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी एरोज एरो की आरधेन की बोर्ड की बोर्ड में कितने एरो की होते हैं चार तीन दो एक सो वी ऑल नो की इसमें होते हैं चार एरो ऐसे 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 और ऐसे सो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ डिवाइस जो अलो करता है यूजर्स को टू फीड डेटा इन टू अर कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज घॉट आउटपुट इनपुट मेमोरी बोथ हे एंड बी इट इज़ इनपुट डिवाइस सो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस माउस जॉयस्टिक लाइट पेंट या फिर डिजिटाइज़र इसका जो सही आंसर है वो है डिजिटाइजर डिजिटाइजर का काम होता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट uh, करना डिजिटाइजर का, का काम है इट इज पॉइंटिंग डिवाइस और डी विल बी द राइट आंसर या नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंक्शन की इन द कीबोर्ड फंक्शन कीज कितने होते हैं कीबोर्ड में फोर्टीन होते हैं 12 होते हैं 13 होते हैं 15 होते हैं विच की बोर्ड की ऑफ की इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स आई अपर आर लोअर केस ई सी रिटर्न शिफ्ट बोथ ए सी इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड सी स्केप और शिफ्ट दोनों ही यूज़ किए जाते हैं सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पहला कंप्यूटर माउस किसने डेवलप किया था पहला कंप्यूटर माउस सो इसका जो सही आंसर है वो है डॉगलस एंगल बार्ट ने सो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है सो so, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है वो है मॉनिटर एंड प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है सो डी विल बी द राइट आंसर या आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हम ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोल सकते हैं एक इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्स को सिस्टम सर्विस जो प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑल ऑफ़ द मैंशन अबव सो डी विल बी द राइट आंसर सभी को सभी को आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ला सकते हो सो डी विल बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा सी पी यू स्केड्यूलिंग एलोग्रिदम्स हैं सो प्रायोरिटी है राउंड रिबन है शॉर्ट टेस्ट जॉब फर्स्ट है ऑल ऑफ द मैंशन है तो डी विल बी द राइट आंसर यहाँ पर यह सारे आपको बता दिए हैं कौन कौन से आते हैं देखो राउंड रिबन है प्रियोरिटी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है फर्स्ट स्कड्यूल ये सभी हैं ये सभी आपको याद रखने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी सी पी ओ एलोग्रिदम्स हैं सो डी विल बी द राइट आंसर ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसका जो सही आंसर है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सो ए विल बी द राइट आंसर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए पी चार्ट कॉलम चार्ट लाइन चार्ट डॉट चार्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉलम चार्ट सो बी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डैश इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज बाई टेली कम्युनिकेशन डाउनलोड ई अपलोड ऑल ऑफ द अबव इसका जो सही आंसर है वो है ई मेल एक एक्सचेंज है मैसेजेस को आप टेली के द्वारा एक्सचेंज कर सकते हो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंपैटिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी आपके पास क्वेश्चन था डी सी आर एम का फुल फॉर्म बताना है ये आपके पास सारे ऑप्शन दिए गए हैं सी डी आर एम सी डी आर एम सो इसका जो सही आंसर है वो है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फील्ड विच फील्ड टाइप विल यू सिलेक्ट इफ यू नीड टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड टेक्स्ट मीमो करेंसी हाइपर लिंक सो आप किसको सिलेक्ट करेंगे आप मीमो को सिलेक्ट करेंगे आपको अगर किसी फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट करना है सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ होम कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वो कौन सा इक्विपमेंट है जो हमें चाहिए अगर हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है मॉडर्न गेट वे मॉनिटर पैरिफरल एंड द करेक्ट आंसर इज मॉडर्न चाहिए होगा सो ए विल बी द राइट आंसर कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सर्वर ऑन द इंटरनेट को हम क्या कहते हैं हब होस्ट गेट वे रिपीटर सो इसको हम कहते हैं होस्ट सो बी विल बी द राइट आंसर द सर्वर की बात हो रही है सो होस्ट विल बी द राइट आंसर कंप्यूटर सेक्शन हमारा खत्म होता है अब हम आते हैं हमारे रीजनिंग एंड मैथमेटिकल आ, वाले पोर्शन पर पहला है आपने बताना है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज फोर एटीन हंड्रेड वन एटी टू नाइन्टी फोर 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 एट यहाँ पर क्या आएगा वो आपने बताना है फोर्टी एट फिफ्टी फिफ्टी एट सिक्सटी द करेक्ट आंसर इज़ फोर्टी एट सो ए विल बी द राइट आंसर अच्छे से बैठ कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना गाइज ठीक है यहाँ पे देख लो यहाँ पे मैंने लगा दिया है कि कैसे आया अब एक सर्टन लैंग्वेज में आपको दिया गया है तो आपने बताना है यहां पर सी सी का क्या कोड होगा नाइन टू वन या फिर एट इसका जो तो सही आंसर है वो होगा एट अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है वैसे तो टाइम वेस्ट बहुत होगा अगर मैंने हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया बट इनके से अगर आपको ये वाला नहीं आता है पहले देख लो अब वन थ्री फोर ये सब हमारे पास दिया गया है आपने सिमिलर नंबर्स को फाइंड आउट करना है हमें बताना है सी का सी हमारा यहाँ पर लाइक like कर है अब यहाँ पर देखो गुड और गुड दोनों जो है सेम है अब यहाँ पर दो चीज दो वर्ड दो नंबर कौन से सेम है फोर तो फोर और फोर कैंसिल हो जाएगा और गुड और गुड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यानी फोर जो है वो गुड को डिनोट करता है यहां से आपको ये क्लियर हो चुका है अब अब इसमें देखो पिक्चर और पिक्चर है पिक्चर यहाँ से कैंसिल करो पिक्चर यहाँ से कैंसिल करो सेवन और सेवन तो सेवन डिनोट कर रहा है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है सो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है, uh, है, है, so right है जी चलो नेक्स्ट हमारे पास है एक फैमिली में छ मेंबर्स है जो आपके पास दिए गए हैं ए एंड बी मैरिड कपल्स है ए बींग द मेल मेंबर डी ओनली सन ऑफ सी हु इज ब्रदर ऑफ ए इज सिस्टर

Sun, ये है नेक्स्ट so, right जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन सेंस आपको बोली गई है रासिक रासिक जो है आ, रासिक यहां पे आप कर लो ऐसे ठीक है रासिक 20 मीटर यहाँ right 30 30 पे चला 30 20 देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 फाइव मीटर अब यहाँ पे ये जो हमारा है ये 20 है ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा फिर

45 और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा d 45 मीटर ईस्ट सो d will be the right answer here चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन such a way that at 6 pm hour hand points to north in which direction the minute hand will point at 9:15 pm देखो यहां पे घड़ी को उल्टा कर दिया है यहां पे 6 यहां पे 12 एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा आपको हम्म यहाँ पे देखो यहाँ पे छः है और यहाँ पे बारह है यहाँ पे तीन है और यहाँ पे नौ है ठीक है अब अगर ये कह रहे हैं राहुल ने अपनी घड़ी का टाइम इस तरीके से सेट किया है कि सिक्स ए एम हैंड आर पुट्स टू नॉर्थ तो ये ऐसे है अब ये कह रहे हैं कि अगर नौ पंद्रह होगा तो कैसे होगा तो ऐसे होगा ऐसे होगा ना नौ पंद्रह तो अब ये कह रहे हैं कि मिनट हैंड किस तरफ होगा मिनट हैंड किस तरफ होगा तो ये होगा वेस्ट की तरफ क्योंकि मिनट हैंड आ जाएगा आपका यहाँ पर वेस्ट साइड में थ्री की तरफ सो so, जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टू सी एंड सी प्लस डी इज इक्वल टू टू एन क्या इक्वेशन बनेगी इसका जो सही आंसर है वो है ए ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी सो ए विल बी द राइट आंसर ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री वन सिक्स प्लस फोर वन एट माइनस टू टू थ्री माइनस ट्रिपल वन वन टू इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा थर्टी वन बाई ट्वेल्व थर्टी वन बाई ट्वेल्व सो डी विल बी द राइट आंसर योर इसको सॉल्व करेंगे आप नेक्स्ट uh, इनिकवालिटी से हमारा क्वेश्चन है ये आपके पास दिया गया है इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ द करेक्ट आंसर इज डी इफ नाइदर कॉन्क्लूजन वन आर टू इज ट्रू सो डी विल बी द राइट आंसर ही Next Maribas question is an aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours to cover the same distance in 1 hour it must tra travel at a speed of 300 km per hour 360 km per hour 600 km per hour 720 km per hour and the correct answer is 720 km per hour so D will be the right answer next Maribas question is excluding stoppages the speed of a bus is 54 km per hour and including stoppages it is 45 km per hour for every for how many minutes.

कॉन्क्लूजन दिया है 80% परसेंट ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स ओनली कंक्लूजन वन फॉर्ज टू फॉर्स आई दर वन आर टू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइदर इधर वन आर टू फॉलो सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ओल्ड ऑर्डर चेंज ईल्डिंग प्लेस टू न्यू कंक्लूजन चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड इसका जो सही आंसर है वो है ओनली कंक्लूजन वन फॉलो सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट है ना ए सर्टन कोड लैंग्वेज जैसे पहले किया था वैसे ही है आपको बताना है इज का क्या है इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसका जो सही आंसर है वो है टॉड को सो सी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास ये दिया हुआ है इफ़ वन इज अपट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ द टेंथ फ्रॉम द राइट इसका जो आंसर है वो हमारे पास है फोर सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यह आपके पास दिया हुआ है इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फाबैट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू अरेंजमेंट इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा बोथ एल ए पी एन बोथ बी यू टी सो सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस ब्रदर हस्बैंड एंड मैन ब्रदर हस्बैंड एंड मैन सो इसका जो सही आंसर है वो है ये एक मैन जो है वो ब्रदर भी हो सकता है हस्बैंड भी हो सकता है सो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम मैंगोज आर येलो

water boils at 100 degrees celsius water freezes at 0 degrees celsius conclusion ha, at low pressure water boils at low temperature the conclusion drawn true false either probably true or probably false irrelevant the answer uh, is irrelevant Irre irrelevant information ha, so d will be the right answer next samar's question ha, the presence of calcium in milk make it white rice too is white therefore rice also contains calcium false प्रोबेबली ट्रू ट्रू कांट से इसका जो सही आंसर है वो है कांट से सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रिसडेड बाय सेवन बट नॉट फॉलोड बाय थ्री आपके पास ये सभी दिया गया है ऑप्शन है फोर थ्री सिक्स एंड फाइव इसका जो सही आंसर है वो है फोर सो ए विल बी द राइट आंसर लास्ट सेक्शन हमारा है वो है इंग्लिश का बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल डैश डेस्ट द प्रोजेक्ट हैज हैव कंप्लीटेडिंग हैव कम्पलीटेड इसका जो सही आंसर है वो है हैव कम्पलीटेड बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल हैव कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जैक एंड जॉन बी हेल्पफुल हैव बीन हेल्पफुल वाज हेल्पफुल हैड बीन हेल्पफुल जैक एंड जॉन हैड बीन हेल्पफुल सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग जंबल सेंटेंसेस आपके पास दिया गया है न, नीचे आपके पास कोड भी दिए गए हैं इसका जो सही आंसर है वो है फाइव थ्री टू वन फोर सो ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू मीनिंग फुल पैराग्राफ में आपने लगाना है ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इसका जो सही आंसर है वो है थ्री टू वन फोर फाइव सो ए विल भी द राइट आंसर ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नरेशन से आई शल से अगेन यू स्टोल हरीज बुक इसको आपने चेंज करना है इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आई शल सी अगेन दैट यू स्टोल हरीज़ बुक सो सी विल भी द राइट आंसर यहाँ पे कैपिटल है जा जाएगा ठीक है सो सी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट है ही सेट बाई गॉड आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ इसको भी आपने चेंज करना है इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ही स्वोर बाय गॉड एंड सेट दैट ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ सो सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मॉडल से ऑल मेंबर्स कैन वुड माइट शुड अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैन यू स्पीक स्पेनिश तो कैन यू स्पीक स्पेनिश में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा सो डी विल भी द राइट आंसर ही हो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यू स्पीक डैश डैश ट्रूथ यू स्पीक आ ट्रूथ एंड ट्रूथ द ट्रूथ नो आर्टिकल इसका जो आएगा वो आ जाएगा यू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज सो सी विल भी द राइट आंसर ही हो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स आपने इसमें भरने हैं द स्टेंड ग्लास विंडोज बिहाइंड इन ग्लिन चर्च आर इन नीड ऑफ रिपेयर जेनेटिक स्क्रीन

वो है द अपार्टमेंट हैज अ लार्ज क्या आएगा हॉल हॉल हाउल बोथ कैन बी यूज नन इसमें आ जाएगा हॉल द अपार्टमेंट हैज ए हॉल ये भी हॉल है ये भी हॉल है पर ये वाला हॉल यहाँ पे यूज होगा सो so, ए विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आई सेट बिफोर आई विल नेवर फॉरगिव देम अनलेस आई एम पेड बैक इसमें क्या आएगा एज इफ आई सेट बिफोर ऑल दो एज दो एज इसमें आ जाएगा एज आई सेट बिफोर आई विल नेवर फो गेव दम अन पेड बैक सो डी विल बी द राइट आंसर ह्यो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइडम एंड फ्रे से बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है ऑल द क्लोदिंग विदाउट एनी बिलोंगिंग लीव विध विध ऑल वंस बिलोंगिंग सो डी विल बी द राइट आंसर बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है प्रपोजिशन का यूज़ करना है आई गॉट योर पार्सल सिंस फॉर टू ऑन आई गॉट योर पार्सल ऑन टूजडे सो डी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आई एम मच अशेम्ब बाय माई सन ऑफ माई सन एट माई सन ऑन माई सन आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई सन सो बी विल बी द राइट आंसर हियर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वी वेस्ट वी वेस्ट मच टाइम वी वी वेस्ट

हिज जॉब ही ब्रोक डाउन यानि की ही वेब टू बिटर्ली जब उसने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी वो रोने लगा जोर जोर से सो सी विल बी द राइट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एबर्डन का साइनोनियम आपने बताना है ट्राई जॉइन कीप विद फॉरसेक एबेंडन का साइनोनियम होता है फॉरसेक सो डी विल बी द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिलिटेंट एंटोनियम ऑफ आपने बताना है एंटोनियम ऑफ मिलिट्री तो मिलिट्री का क्या एंटोनियम होगा सिविल मिलिटेंट सिविलिटी कोप इसका जो सही आंसर है मिलिट्री का आ जाएगा सिविल सो ए विल बी द राइट आंसर हियर गाइस ये थे हमारे 120 ट्वेंटी क्वेश्चन आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए आई होप आपको पसंद आया होगा डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आपके कितने नंबर आए हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल